नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। तो मित्रों, आज हम एक बार फिर से आ गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर और आपके सामने एक बहुत ही बड़ी अपडेट साझा करने। जैसा कि हम जानते हैं कि लखनऊ से गाजीपुर तक जाने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लगभग बनकर तैयार हो गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लोकार्पण नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। शनिवार को शाम यूपीडा यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी व अपर मुख्य गृह सचिव अवनीश अवस्थी जी लखनऊ से निरीक्षण करते हुए गाजीपुर तक पहुँचे। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री जी इसी माह एक्सप्रेस वे को जनता के हवाले सौंप देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार बारिश ज़्यादा हुई थी, इस कारण से रास्ते में पानी लग गया था, जिसे दुरुस्त कराया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तार और लाइटिंग सिग्नल का काम पूर्ण हो चुका है, लेन पर मार्किंग भी कर दी गई है, करीब 98% जो कार्य है लगभग कंप्लीट हो चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर वायुसेना के विमान भी उतारे जाएंगे, जिसके कारण सुल्तानपुर पुणेभार में एयर स्ट्रिप को लेकर एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ भी निरीक्षण किया गया। अवस्थी जी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इस पे वाहन 160 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 170 किलोमीटर प्रति घंटा तक वाहन चलाया जा सकता है। हालांकि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही नियम निर्धारित है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे इंडस्ट्रियल पार्क के लिए हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का प्रस्ताव है, जिस पर कार्य हो रहा है। जगह भी चिन्हित की जा रही है कि कहां कहां पर इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, क्योंकि इसी से पूर्वांचल का विकास का रास्ता खुलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि सर्विस लेन टॉयलेट ब्लॉक के कार्य 6 अक्टूबर तक पूर्ण करें। जिला अधिकारी को पेट्रोल पंप का तत्काल लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पौधरोपण तथा टोल प्लाजा के सभी कार्य को सितंबर माह के अंत तक हर हाल में पूर्ण करने का निर्देश दिए। मित्रों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी ही हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से रिलेटेड खबर आपके सामने रखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।